हेलो, तुम सुनो बे। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक माय ब्लॉग एंड अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं मेरे फेवरेट और मोस्ट ऑफ द इंडिया के सबके फेवरेट राजकुमार राव। जी हाँ, आज हम इस ब्लॉग में कवर करने वाले राजकुमार राव सर को, और ट्राई करेंगे कि उनसे मेरी अगर कुछ बातें होती हैं तो मैं उनसे एक्टिंग टिप्स लूँगा, और वो अपने मूवी के प्रमोशन के लिए हमारे एक्टिंग स्कूल आ रहे हैं, तो बने रहो, मैं मिलवाता हूँ और बाकी चीज़ें कवर करता हूँ, और देखते हैं उनसे अगर बातचीत हो पाती है तो। तो मैं निकल पड़ा हूँ नोएडा फिल्म सिटी की, और ग्रेट नोएडा से 40 से 45 मिनट लगते हैं नोएडा फिल्म सिटी पहुँचने। तो फाइनली मैं पहुँच गया नोएडा फिल्म सिटी। तो ये है मेरा एक्टिंग स्कूल जहाँ से मैंने अपना एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया, और ये इसका बैक साइड है। अब चलते हैं सामने साइड। तो राजकुमार सर की नई मूवी आ रही है श्रीकांत, जिसको टी सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पर इसका पोस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं पहुँच गया और शायद सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं ही हूँ, और यहाँ पर ये है, लकीली मेरे फ्रेंड्स मिल गए। किस लिए रेडी हो, कैमरा लेके किस लिए खड़े हो? ये ड्यूटी होती है भाई लोग, उन लोगों की। ये भाई गिम्बल विम्बल सेट करके खड़े, और ये तो इसका प्रश्न है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस पूरे हॉल में एज अ एक्टर बस मैं ही बैठा हुआ, बाकी जितने भी लोग हैं सब कैमरा डिपार्टमेंट के हैं। और राजकुमार सर की नई मूवी आ रही है श्रीकांत 10 मई को, तो जरूर से देखने जाना। बाकी गाइज, इस भाई ने इतना अच्छा सॉन्ग गाया है, मतलब इस मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग है, और ये इतना अच्छा गाया, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये उदित नारायण सर ने गाया, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इस बंदे ने खुद ने गाया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। सो फाइनली हमें जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है, और राजकुमार राव सर की फाइनली एंट्री हो गई। और वो मेरे बिल्कुल सामने जस्ट इतने पास से होके गए, मेरे पास खड़े थे, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जिसको हमने मूवी में देखा, जिनको देख के मैंने एक्टर बनने का सोचा, एक्टिंग सीखी, उनको मैंने इतने नज़दीक से देखा, मतलब एज अ हम भी एक्टर हैं और वो भी एक्टर हैं, पर उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है वो बहुत बड़ी बात है, और उसको देख के हम बहुत ही इंस्पायर होते हैं। तो अभी हम सारे लोग जितने भी यहाँ पर एक्टर हैं या अदर फील्ड से भी हैं, वो कुछ कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक्टर हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगी कि वो अपने एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या चीजें बता रहे हैं हमें आगे के लिए। जितना भी वक्त आप यहाँ दे रहे हैं, जो मैंने किया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था फिल्म इंस्टीट्यूट में, जस्ट लर्न एज मच गाइस, बिकॉज ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये जगह दोबारा नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं है। यू कैन लर्न एज मच, यू कैन प्रैक्टिस एज मच। सो इसको अगर आप सीरियस हैं अबाउट वर्किंग, अबाउट आवर लर्निंग, सो आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट इन्वेस्ट ऑल योर टाइम, ऑल योर एनर्जी इन लर्निंग एज मच एज यू कैन फॉर दिस प्लेस, नॉट ओनली इन क्लास, अदरवाइज ऑल्सो जस्ट टेक आउट टाइम, फाइंड आउट योर लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ बैठिए। अगर एक्टर्स हैं तो सीन वर्क कीजिए, इम्प्रोव कीजिए, बहुत जरूरी। आई थिंक वही है आपको जो जिंदगी भर काम आएगा। We should take you forward in life. Thank you so much that you are quoting their life, but you can also bring in things from your own imagination. So Srikant ki zindagi mein apas is visually impaired, unko dikhai nahi deta hai. To bahut tough tha wo to play that, but then I had my own take on how to do that, how to perceive, you know, the physical state of it. Bagya unke sath bahut waqt bitaya maine, unke sath bahut zyada, because internally unki struggle ko janana bahut zaruri hai. तो इस भाई को मौका मिला है राजकुमार सर की मूवी का टाइटल सॉन्ग गाने के लिए, वो भी उनके सामने, मतलब बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल कलाकार है। बेटा
और देख सकते हो राजकुमार राव सर भी खुद साथ साथ गा रहे हैं उस अपने मूवी के टाइटल सॉन्ग को। और मजा तो अब आ रहा है गाइस, क्योंकि वो हम सबके कहने पे अपनी मूवी का कोई भी एक डायलॉग सुनाने वाले हैं। तो बरेली की बर्फी का कोई एक डायलॉग सुना रहे हैं, तो आप खुद सुनिए कि वो किस अंदाज में किस कैरेक्टर को प्ले करके वो डायलॉग सुना रहे हैं। आजकल गलत टाइम पे फोन किया तो ऐसे लात मारेगा, कोले पे टिंपल निकाल देगा तो गैस जो प्रोग्राम था वो खत्म हो गया, राजकुमार सर भी अब जा रहे हैं। तो एक बार मैं अपनी मेमोरी को दोबारा से याद करने के लिए मैं आ गया अपने एक्टिंग हॉल जहाँ पर हमारे डांस क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस चलती थी, और इसको देख के मुझे फिर से पुरानी चीज़ें याद आ गई। हे गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। मीटिंग तो हो गई, मतलब ये था कि जो क्वेश्चन पूछने थे वो पूछ लिया, और बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा उससे आंसर भी मिला, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। पर ये है कि फ़ोटो वोटो तो नहीं हो पाई, क्योंकि यू नो वो राजकुमार राव हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो बिजी हैं। उन ऊपर से नीचे आने में उनको सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगे होंगे गाड़ी में बैठे एंड देन गो। तो फोटो तो खैर किसी की भी नहीं हो पाई जो भी इतने सारे लोग थे, पर वही है कि बिजी पर्सन है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर यह था कि हमारा मेन मोटिव था कि कुछ सीखने के लिए, वो वहां तक कैसे पहुंचे, तो वो सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।